या बंधुओं का बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ कि आपने बहुत शॉर्ट नोटिस में यहाँ आने का मन बनाया और आप यहाँ प्रेस वार्ता को कवर करने के लिए आए, आपका बहुत बहुत आभार। आज की प्रेस वार्ता जो है वो बहुत ही गंभीर विषय पे है। जिस तरह से हम देख रहे हैं आज द्वेष की राजनीति पूरे भारतवर्ष के अंदर चल रही है, इससे हमारा जम्मू कश्मीर भी अछूता नहीं रहा। आज हमने देखा किस तरह से भाजपा ने तमाम इंस्टीट्यूशन को वेपनाइज करके विपक्ष के खिलाफ खड़ा कर दिया और उनकी जो प्रेशर टेक्टिस है विपक्ष को दबाने की, विपक्ष की आवाज़ को दबाने की, वो साफ नज़र आती है। उसकी हमारी आम आदमी पार्टी घोर निंदा करती है। हमारा ये मानना है वही देश वही कामयाब होता है जहाँ विपक्ष की आवाज़ बहुत बुलंद हो, ताकि वो जो सत्ताधारी पार्टी है उसकी कुनीतियों को हमेशा टोस के ऊपर रखे और विपक्ष का काम है कि उसकी गलतियों को सामने लाए और आभार के लाए। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि आए दिन सत्ताधारी पार्टी और यहाँ जो हमारे एलजी साहब जो बाहर से आए हैं, तमाम आवाज़ों को बाहर दबाने का काम जो उन्होंने यहाँ शुरू किया है, तमाम आवाज़ों को दबाने का काम यहाँ शुरू किया है। चाहे वो हमने देखा कि हमने अपने महाराजा हरि सिंह जी के लिए छुट्टी मांगी तो हमें धारा 144 लगा दी गई। उसके बाद युवा ने रोजगार मांगा तो उस पर लाठियां चला दी गई। अगर मुझे लगता है कि डेली वेजर्स ने अपने लिए पक्की नौकरी मांगी तो उन पर लाठियां भांजी गई। और अब जो वकील समाज है वो भी उससे अछूता नहीं रहा। उन्होंने अगर जम्मू की अपनी आवाज़ को बुलंद किया, जम्मू के लोगों के लिए आवाज़ बुलंद की, तो उन्हें नोटिस थमा दिए गए। आज जिस तरह से एक वाक्या हमारी नज़र के सामने आया कि जिस तरह से बार प्रेसिडेंट को यहाँ नोटिस सर्व किया गया कुछ दिन पहले, कि जब उन्होंने एक यहाँ पे बार एसोसिएशन ने एक बंद की कॉल दी, और हम देख रहे हैं पिछले कुछ दिनों से बार एसोसिएशन द्वारा एक आंदोलन चलाया जा रहा है जो लोक हित में है, जो लोगों के लिए वो आवाज़ उठा रहे हैं कि तमाम तरह की दिक्कतों के लिए हमारे जम्मू के लोगों को विभिन्न राज्यों के अंदर ना जाना पड़े, उसका विरोध करते हुए, उसके विरोध में जिस तरह से एलजी और यहाँ के प्रशासन ने एक नोटिस वहाँ के प्रेसिडेंट को थमा दिया, हम उसकी घोर निंदा करते हैं। इस तरह का प्रकरण जो आज भारत के अंदर शुरू हो गया है, मुझे लगता है आज जम्मू कश्मीर बहुत इस पे कड़ी नज़र बनाए हुए है जम्मू कश्मीर के लोग। मुझे आज इस तरह का एक माहौल जो जम्मू कश्मीर के अंदर है, जिस तरह से डराने और धमकाने की राजनीति भाजपा कर रही है, वो निंदनीय है और ये एक घातक प्रहार है हमारी डेमोक्रेसी के ऊपर। आज जो वकीलों का समाज है, जो एक पढ़ा लिखा वर्ग है, जो कानून का गहरा अध्ययन करता है और कानून की गहरी समझ रखता है, आज इस तरह का प्रहार उन पे करना, ये मुझे लगता है ये पूरे समाज के ऊपर एक प्रहार है। इसका हम घोर खंडन करते हैं। और हमारी जो आम आदमी पार्टी है हमेशा से इस तरह की जो कुनीतियाँ हैं भाजपा की, उसके विरुद्ध खड़ी रही है, जनता के हित में खड़ी रही है। और हमारा ये मानना है कि जिस तरह से आज इस तरह का एक नोटिस उन्हें सर्व होना, ये बहुत ही गंभीर विषय है अपने आप में। ये आवाज़ को दबाने की, कुचलने की एक कोशिश है, एक साजिश है, जिसका शिकार बहुत देर से विपक्ष होता आ रहा है। हमने देखा किस तरह से भाजपा ने विभिन्न एजेंसीज को वेपनाइज किया, चाहे वो ईडी हो, सीआईडी हो, एनआईए हो, किस तरह से उसका इस्तेमाल इन इदारों का जो लोक हित में होना चाहिए था उसका इस्तेमाल विपक्ष की आवाज़ को दबाने के लिए किया गया। चाहे वो हमने देखा कि किस तरह से मनीष सिसोदिया जी को हरास करके और फिर वहाँ दिन दहाड़े हॉर्स ट्रेडिंग का एक नंगा नाच खेला गया, इस तरह से तमाम विपक्ष के नेताओं पे किस तरह से ईडी का इस्तेमाल करके उनकी आवाज़ को दबाने का काम पिछले कुछ वर्षों से भाजपा द्वारा किया जा रहा है, ये डेमोक्रेसी के ऊपर, जो वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है भारत की, उसके ऊपर एक गहरा प्रहार है जिसे हम हरगिज बर्दाश्त नहीं करेंगे। मेरा ये मानना है कि आम आदमी पार्टी का ये मानना है और हम ये मांग रखते हैं एलजी साहब से कि वो एक मीटिंग, एक वार्ता बार एसोसिएशन के साथ रखें और उनकी जो मांगे हैं वो सब जायज़ हैं, उन पे तुरंत कोई हल निकाला जाए और उन हल को जल्दी फास्ट ट्रैक के तहत टाइम बाउंड में उसे पूरा किया जाए। क्योंकि उनकी ये मांग जो है कि एक ही कोर्ट कम्प्लेक्स के अंदर तमाम कोर्टों को रखा जाना और कोर्ट जो ट्रिब्यूनल है उसको उसी कम्प्लेक्स पे रखा जाना, मुझे लगता है ये तो स्मार्ट सिटी का एक बहुत ही ज़रूरी अंग है जिस स्मार्ट सिटी का भाजपा दावा करती है। ये वही भाजपा है जो कहती है चिंता नहीं करनी। मुझे लगता है आज भाजपा के उन्हीं नेताओं को सबसे ज़्यादा विपक्ष से चिंता है। वो डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। कभी वो 25 लाख वोटर बाहर से ला के इस तरह की षड्यंत्र रचाते हैं, कभी वो हमारे लोगों को डराने और दबाने, उनकी आवाज़ को कुचलने का काम करते हैं। हम आम आदमी पार्टी इसका खंडन करती है और विरोध करती है और हम इस तरह की किसी भी नीति का बिल्कुल उसका विरोध कड़े शब्दों में करते हैं। मेरा ये मानना है
कि जो भाजपा द्वारा एक प्रयास है जो विपक्ष की आवाज़ को दबाने का, वो मुझे लगता है भारत के कोई भी इंसान जो है उसको बर्दाश्त नहीं करेगा। जम्मू की जनता के साथ जिस तरह से इन्होंने भेदभाव किया, जिस तरह से इन्होंने पहले जम्मू को बेच के पीडीपी के साथ सरकार बनाई और उसके बाद हमारी स्टेट को खंड बिखंड करके रख दिया, जम्मू की जनता आज इनसे जवाब मांगती है। मुझे लगता है जम्मू आज इनसे प्रश्न करना चाहता है कि आपने जम्मू को, एक राज्य को, जम्मू कश्मीर के राज्य को भारत के नक्शे से ख़त्म किया, भारत हमारी जम्मू के डोगरों की संस्कृति पे एक प्रहार किया, ये गहरा प्रहार जम्मू के लोग कभी भूलेंगे नहीं। जिस तरह से आपने डोगरा शासन को, डोगरा प्रदेश को ख़त्म करने का काम किया है, आने वाले समय में आपको इसका जवाब देना होगा।